एवरीवन, आई एम प्रज्ञा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ अनारकली फ्रॉम फ्लिपकार्ट। इसमें मैंने स्पेशली अनारकली कुर्ते सेलेक्ट किए हैं और ये सब परफेक्ट हैं किसी भी छोटे मोटे ओकेजन के लिए या फेस्टिवल के लिए। वैसे भी जब आप अनारकली पहनते हैं ना तो बहुत ही डिफरेंट सा लुक आता है। आप सेम प्रिंट में स्ट्रेट कुर्ती पहनिए और सेम प्रिंट में अनारकली पहनिए, बहुत ही डिफरेंट लगता है दोनों। अगर आप अनारकली के साथ हैवी ईयरिंग्स और दुपट्टा कैरी कर लेते हैं तो आप ओकेजन्स पे भी इजीली कैरी कर सकते हैं। और आज जो मैं शेयर कर रही हूँ ये सब है कॉटन के, तो कंफर्टेबल हैं, इजी टू कैरी हैं, इजी टू मेंटेन हैं और देखने में बहुत ही प्यारे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल पे क्लिक करिए। और हाँ, ये वाली कुर्ती जो है ये मुझे इतनी पसंद आई है तो मैं वेट नहीं कर सकती इसको शेयर करने के लिए, तो इसका भी रिव्यू बहुत जल्दी चैनल पे आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले है मेरे पास ये बहुत ही खूबसूरत सी येलो कलर की, नॉट एग्जैक्टली येलो, ये ग्रीनिश येलो काइंड ऑफ कलर है, बड़ा ही डिफरेंट सा कलर है। ये जो अनारकली है ये रेयॉन की है, सिर्फ यही एक रेयॉन की है, बाकी सारे कॉटन के हैं। दिस इज़ फ्रॉम गुलमोहर जयपुर। यहाँ पे नेक के पास देखेंगे कितना खूबसूरत वर्क किया गया है, ये पूरा फ्लोरल काम है, यहाँ पे थ्रेड जरी सबसे वर्क किया गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। पूरा फ्लावर्स एंड लीव्स बनाए गए हैं कुछ इस तरह का। ये वाला जो है ना, ये रेशमी थ्रेड जो होता है ना, हैंड वर्क वाला चीज़ है ये, जो हाथ से किया जाता है, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। पुरानी वाली जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना पुराने ज़माने की, कुछ इस तरह का लुक आ रहा है इससे, बहुत खूबसूरत है। ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे कुछ इस तरह का रफल काइंड ऑफ डिटेल आ जाता है रानी कलर से। कलर मुझे बहुत प्यारा लगा है, यह येलो है, देन उस पर इस तरह से सी ग्रीन एंड टर्कोइज जो कलर होता है, गोल्डन पिंक, इस तरह के कलर से एम्ब्रॉयडरी है। नीचे आते हैं तो पूरा प्लेन एंड फ्लेयरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, अच्छा खासा फ्लेयर है इसमें, तो ये पहनने के बाद ना बहुत खूबसूरत लगेगा। पीछे भी इसका बिल्कुल प्लेन आ जाता है, मुझे बहुत खूबसूरत लगी ये वाली कुर्ती। इसके लिए मैंने 559 पे किया है और उस प्राइस में मुझे लगता है बहुत प्यारा है, किसी भी फेस्टिवल में, पूजा में आप पहन सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। एवरीडे वेयर के लिए भी कैरी कर सकते हैं, कहीं आना जाना हो। मुझे बहुत पसंद आई है, कंफर्टेबल है, रेयॉन का मटेरियल है, ब्रांड है गुलमोहर जयपुर, तो ब्रांड भी अच्छा है। इसमें मैंने स्मॉल साइज़ लिया है और ये मुझे मिला है 559 रुपीज़ में और मुझे बहुत अच्छा लगा है। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाइट कलर की प्योर कॉटन की अनारकली, और दिस इज़ फ्रॉम मिजोया जयपुर, कुछ इसी तरह का ब्रांड था ये, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये ब्रांड मैंने पहली बार मंगाया है। ये कुछ इस तरह का यहाँ पे नेक आ जाता है, राउंड नेक है, स्लीव्स बहुत प्यारे हैं, इस तरह से शॉर्ट स्लीव्स हैं और ये जो है ना इलास्टिकेटेड है थोड़ा सा, तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी पूरी कुर्ती पे। ये ब्लू इंडिगो कलर से लीव्स बने हुए हैं, प्रिंट भी मुझे इसका बहुत अच्छा लगा है, थोड़ा डिफरेंट है। फिर बस्ट एरिया के पास से ही ये फ्लेरी हो जाता है, ये आपकी वेस्ट से फ्लेरी नहीं होगा, बस्ट एरिया के पास से ही फ्लेरी हो जाएगा। नीचे जाते हैं, अच्छा खासा फ्लेयर है, और फिर यहाँ पे और नीचे जाते हैं तो ये लेयरिंग की गई है, बहुत ही खूबसूरत लगी है मुझे ये वाली कुर्ती। इसको मैं कुर्ती बोलूंगी भी नहीं एक्चुअली, आप इसको ड्रेस की तरह कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप बस्ट एरिया के पास बेल्ट लगा लीजिए एंड इट विल लुक परफेक्ट, मुझे बहुत खूबसूरत लगा है। प्योर कॉटन है तो हॉलीडेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लुक वाइज एवरीडे वेयर के लिए बहुत अच्छा है। वैसे एवरीडे वेयर लाइक ये है नहीं है, ये बहुत क्यूट, पर इन केस अगर आप एवरीडे भी पहनना चाहते हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड। अभी तक मुझे क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लगी है फैब्रिक वाइज, और मुझे नहीं लगता कि वॉश करने के बाद भी इसको कुछ होने वाला है, क्योंकि इसका प्रिंट भी ना बहुत अच्छा है, देख के ही पता चलता है अगर प्रिंट निकलने वाला होता है तो। ये इसका बैक पोर्शन है जिसमें कि छोटा नेक दिया गया है, रियली प्रिटी, और इसके लिए मैंने 621 रुपीज़ पे किया है उस प्राइस में, कि बहुत 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 अच्छा है। मैंने अक्स के इस तरह के कुर्ते देखे हुए हैं जो कि सेल में तो आपको थोड़े कम प्राइस में मिल जाते हैं, बट अगेन उनका जो कॉटन वाला फैब्रिक होता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता है, तो मुझे ये फैब्रिक काफ़ी अच्छा लगा है। लुक वाइज बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, कलर मुझे बहुत प्यारा फ्रेश सा लगा है। इसमें ना साइज़ मीडियम से ही स्टार्ट होता है, तो अगर आपकी साइज़ कम है मेरी तरह स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल, तो आपको ये ऑल्टर कराना होगा, क्योंकि ये काफ़ी चौड़ा है स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए, तो ये मीडियम से ही स्टार्ट होता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट जो कुर्ती है ना, ये भी है प्योर कॉटन की कुर्ती, ये भी अनारकली है। इस तरह की कुर्ती आपको मीशो पर आपने काफ़ी देखा होगा, मैंने खुद मीशो से ऐसा एक ब्लू कलर में मंगाया है, थोड़ा सा प्रिंट डिफरेंट है, बट ये भी प्योर कॉटन है, नेक
इतना डीप है, मुझे इतना अच्छा लगा इसको देख के। काफ़ी डीप नेक मिल जाता है। नेक के पास पाइपिंग दी गई है इस तरह की, आप देख सकते हैं अंदर से ये पाइपिंग दी गई है मरून कलर की। पूरी कुर्ती में ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लोरल प्रिंट है, मुझे इस तरह के प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, कलमकारी काइंड ऑफ प्रिंट है। स्लीव्स पे ये इस तरह का फैब्रिक एंड देन ये गोटा वाला लगाया गया है। यहाँ पे एक और गोटा की डिटेलिंग है, कलर बहुत खूबसूरत है इसका, फ्रेश सा है। यहाँ पे आपको बटन डिटेलिंग भी मिल जाती है जो कि शो बटन है फैब्रिक के, फिर नीचे जाती है तो अच्छा खासा फ्लेयरी अनारकली है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है फ्लेयर इसका। ये इसका बॉर्डर है और जैसे कि स्लीव्स में था वैसे ही यहाँ पे भी दिया गया है, बट ये थोड़ा चौड़ा है, यहाँ पे थिक दिया गया है, तो ये भी बहुत खूबसूरत रहेगा। आगे पीछे दोनों ही साइड बिल्कुल सेम पैटर्न आ जाता है। इसका नेक का जो पीछे वाला एरिया है वो छोटा है और आगे काफ़ी डीप है, ये बहुत चौड़ा है, एज यू कैन सी बहुत चौड़ा है, तो मीडियम है ये, और मीडियम के हिसाब से ये मीडियम बिल्कुल नहीं, ये लार्ज है, इनफैक्ट मुझे लगता है लार्ज से भी थोड़ा बड़ा है, तो साइज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और इसमें भी मीडियम से ही स्टार्ट होता है और ये इसका मीडियम है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑल्टरेशन करानी होगी क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है। लुक वाइज भी बहुत अच्छा है बट मीडियम के हिसाब से बहुत चौड़ा है और इससे कम साइज़ नहीं है, तो अगर आप ऑर्डर करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज साइज़ इसका थोड़ा सा गड़बड़ है। और इसके लिए मैंने पे किया है 489 रुपीज़, उस प्राइस में मुझे ये वाली कुर्ती बहुत अच्छी लगी है। लुक वाइज भी आप इसके साथ मरून कलर का या ग्रीन कलर का, मोस्टली मरून कलर का दुपट्टा ज़्यादा जाएगा इसके साथ, तो आप ओकेजन्स पे भी कैरी कर सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छी है और फैब्रिक इसका प्योर कॉटन है, तो अच्छा लगा है मुझे, बस साइज़ थोड़ा सा अगर इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता तो ज़्यादा बेटर होता। लास्ट की दो कुर्तीज़ हैं मेरी फेवरेट बांदी प्रिंट की कुर्ती, तो सबसे पहले तो ये कुर्ती है, दिस इज़ फ्रॉम गुलमोहर जयपुर, और मुझे लगता है ये थोड़ा सा क्लैश होने वाला है क्योंकि इस तरह की एक कुर्ती शायद मैंने और ऑर्डर की हुई है, सो वील सी। यहाँ पे राउंड नेक आ जाता है और पूरे पे ये वाइट कलर का एंड देन लाइट ऑरेंज कलर से बांधी प्रिंट किया हुआ है, इसका कलर मुझे बहुत खूबसूरत लगा है, इसमें कलर ऑप्शंस भी हैं। तो ये 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी पूरी कुर्ती पे ये वाला बांधने वाला प्रिंट आ जाता है, प्योर कॉटन का फैब्रिक है, गुलमोहर जयपुर ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड है। नीचे की तरफ जाते हैं तो ये इस तरह का कुर्ती, ये वाला जो पैटर्न है ना, ये फुल अनारकली नहीं है, ये ए लाइन काइंड ऑफ है, तो एवरीडे वेयर के लिए बहुत अच्छा है। ये बस्ट एरिया से कुछ इस तरह से ऐसे यहाँ पे प्लीट्स मिलती हैं एंड देन ये नीचे ए लाइन आ जाता है। नेक के पास यहाँ पे ये गोटा वर्क है, ये बटन्स लगाए गए हैं और सारे ही बटन्स ओपन होते हैं, यस सारे ही बटन्स ओपन होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है अगर आप फीडिंग मदर हैं, छोटा बेबी है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये लुक वाइज भी बहुत प्यारा है, कंफर्टेबल है, कॉटन है, और इसके लिए भी मैंने पे किया है 489 या 495 के अराउंड, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है क्वालिटी वाइज। मुझे लगता है इसका कलर थोड़ा सा जा सकता है क्योंकि प्योर कॉटन है और कलर भी ऐसा है, तो थोड़ा बहुत कलर जा सकता है। इसके लिए मेरा हमेशा का बताया हुआ नुस्खा है कि आप फर्स्ट टाइम इसको नमक के पानी में डुबो दीजिए 2-3 घंटे के लिए, हो सके तो ओवरनाइट, देन वॉश कर लीजिए, तो जो भी कलर जाना है वो फर्स्ट वॉश में ही जाता है, उसके बाद नहीं जाता है, तो आप वो कर सकते हैं, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। कलर से फेस्टिव वाली वाइब आती है तो मुझे बहुत अच्छी लगी है ये वाली भी कुर्ती, और साइज़ है इसमें मेरा स्मॉल, पर इसके लिए मैंने पे किया है 489 रुपीज़। लास्ट कुर्ती इज़ फ्रॉम पिंक विशेज़, इसको जब मैंने देखा था तो मुझे नहीं लगा था कि 700 में, एक्चुअली 699 मैंने पे किया है, तो मुझे लगा था 699 में कैसी कुर्ती आएगी क्योंकि इमेज में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, फ्लेयरी लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया कि देखूं क्वालिटी कैसी है। तो पहले तो ये प्योर कॉटन है, ये इसका नेक है, नेक के पास कुछ इस तरह का पैटर्न बना हुआ है विच लुक्स रियली नाइस। यहाँ पे ये लहरिया है, देन ये गोटा वर्क है, देन बाननी है, फिर यहाँ पे ना ये आप देखेंगे ये वाला जो है ये अंगरखा काइंड ऑफ पैटर्न बनाया गया है, और यहाँ पे डोरी दी गई है जिसमें कि बहुत ही खूबसूरत से हैवी से टासल्स डाले गए हैं, ये फैब्रिक है, ये हैवी है, तो लुक बहुत प्यारा है इसका, बांधने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। फिर जब नीचे जाते हैं तो पूरा फ्लेयरी आ जाता है, और जैसे कि कलियां होती हैं ना उस तरह से कलियां बनी हुई हैं, और सब में पूरे में ये कलियों के ऊपर ये गोटा वाला ये गोटा लगाया गया है। देन ये इसका बॉर्डर आ जाता है, बॉर्डर भी बहुत खूबसूरत है, 700 के हिसाब से जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था क्वालिटी बहुत ही अच्छी आई है, लुक बहुत प्यारा है, आप इसको पहन के एकदम अलग से दिखेंगे, प्रिंसेस वाली फीलिंग आने वाली है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इसमें पीछे भी ये गोटा वाला वर्क है जो कि जनरली नहीं होता है, अगर आगे होता है ना तो पीछे नहीं होता,
लेकिन पीछे भी है, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा, किसी भी ओकेजन पे आप पहन सकते हैं, सिल्वर ज्वेलरी के साथ बहुत ही प्यारा लगेगा। साइज है ये मीडियम, और मुझे लगता है इसमें शायद स्मॉल अवेलेबल नहीं था, लेकिन इसका मीडियम काफी अच्छा है, तो ये साइज तो इसकी सही है। ओके, मैंने एक चीज आपको बताई नहीं, वैसे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना ये थोड़ा थोड़ा ये जो एरिया है ना, यहाँ पे ये थ्रेड एंड देन छोटे छोटे सीक्वेंस भी है, तो डिटेलिंग काफी अच्छी है। ये वाली कुर्ती हाईली रिकमेंडेड है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। इनफैक्ट इन सब में से सारी ही मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, बट ये वाली बहुत ज्यादा अच्छी है, और वो वाइट वाली भी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। आपको कौन सी कुर्ती ज्यादा पसंद आई मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप जो भी चाहे लिंक पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी है, उस पर क्लिक करिए, इंस्टाग्राम पे जाइए और मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे आपको मिलेंगे मेरी पिक्चर्स, रील्स और भी बहुत कुछ, और आप मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा जान सकते हैं। सो स्टे ट्यून, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।